गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे इमेज को हम कैसे एज अ लिंक की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम इमेज पे क्लिक करें तो वो हम किसी दूसरे पेज पर नेविगेट कर जाए। जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक इमेज है। देखने में तो ये इमेज लगती है, लेकिन इस पर लिंकिंग की गई है। इस पर क्लिक करते ही ये किसी और पेज पर नेविगेट कर जाएगा। क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखिए, क्लिक करते ही ये गूगल पेज पर लैंड कर गया, क्योंकि इसके पीछे की जो लिंकिंग की गई है वेब पेज की, वो गूगल की गई है। तो दोस्तों, चलिए हम सीखते हैं कि हम कैसे किसी इमेज पे हम कैसे लिंक लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जो लिंक की जो बेसिक टैग होती है, एंकर टैग होती है, उसको पहले आप टाइप कर लीजिए। ये आपको भी पता है, ये एंकर टैग होती है। इसके अंदर आप रेफरेंस दे दीजिए जिस भी साइट पर आप लैंड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल का एड्रेस टाइप कर देता हूँ। और दोस्तों, आपको भी पता है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टर होता है। डिस्क्रिप्टर अगर हम यहाँ पे गूगल लिख दे तो वो टेक्स्ट पे लिंकिंग हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे इमेज का सोर्स प्रोवाइड कर दें, यानी कि इमेज टैग अगर यहाँ पे हम अप्लाई कर दें, तो वो इमेज एज अ लिंक हो जाएगी जो गूगल को ओपन करेगी, गूगल पेज को ओपन करेगी। तो हम यहाँ पे सिंपल इमेज टैग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, इसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती, आप ऐसे भी क्लोज कर सकते हैं, या इसको आप सिंपल भी छोड़ दें तो भी काम करेगा। हम यहाँ पे एक, तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज वहाँ पे इंसर्ट हो जाए, तो मैं इसको इसके ऊपर पहले राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी करूंगा मैं। इसको आप कंट्रोल प्लस सी से सिंपल कॉपी कर सकते हैं। इसको कट कर दीजिए, आप सोर्स को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और एक बैक स्लैश। अब इसके आगे हमें फाइल का नेम देना होगा विथ उसका एक्सटेंशन क्या है उसके हेल्प से। तो दोस्तों, इसकी एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। इसकी इस पर राइट क्लिक करिए, उसकी प्रॉपर्टी पर क्लिक करिए। ये इसका एक्सटेंशन है, .jpg इसका एक्सटेंशन है और फाइल का नेम है A1। चलिए हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे A1.jpg। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके इसकी आउटपुट देखते हैं। दोस्तों, हमने इसकी विड्थ को और इसकी हाइट को हमने सेट नहीं किया, ये इसलिए पूरे बॉडी एरिया में आ गया। तो चलिए हम इसको पहले इसकी विड्थ और हाइट दे देते हैं। दोस्तों, ये आपको शो नहीं करेगा, इसके लिए मैं थोड़ा इसको कस्टमाइज कर देता हूँ यहाँ से। अब ये इमेज की मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ 200 पिक्सल, और इसकी हाइट भी दे देता हूँ 200 पिक्सल, और ये क्लोजिंग फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको सेव करके इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आगे इमेज लिंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सिंपल गूगल को ओपन कर देगा। तो दोस्तों, आपने सीखा कि हम किसी इमेज पे कैसे हम लिंक लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।